हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और इसका लेक्चर नंबर 11। हालांकि बहुत सारे लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, कुछ टॉपिक बचे हुए थे जिनको मैं कवर करने में लगा हुआ हूँ अभी, और बहुत सुन इनको मैं कवर भी करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो सारी की सारी जो है अपनी राजस्थान की जो RBSC की बुक है उसमें जो मटेरियल दे रखा है वो बताऊँगा। ठीक है, अपने जो बुक वाला टॉपिक होगा, और दूसरा ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इसमें टसल चलता रहता है, तो हमें उस पॉलिटिकल मैटर में नहीं जाना है। ठीक है, हमें तो सिर्फ जो चीज़ समझनी है वो समझनी है, बाकी हमारा कोई मतलब पॉलिटिकल कोई ऐसा वो नहीं है एजेंडा कि यहाँ पर किसी मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ही बताएं, तो वो भी मैं बता दूंगा पहले। अभी इसी साल इस वाले टॉपिक में 2-3 चीज़ें ऐड की गई हैं, मैं बता दूंगा क्या ऐड की गई हैं, तो कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, तो बाकी पहले नहीं था ये, इसी साल मतलब जो राजस्थान की गवर्नमेंट है अभी जो प्रेजेंट वाली गहलोत वाली, उन्होंने कुछ चेंज किया है। ठीक है, तो हम जानेंगे विनायक दामोदर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, और बहुत ही जल्दी मतलब अर्ली टाइम में शुरुआत में ही मतलब ये बाल गंगाधर तिलक और इनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और इनका अगर हम लीनियंट देखें किधर इनका झुकाव था, आपको पता है 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, एक था गरम दल और एक था नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट एंड नॉर्मल वाले थे, एक मॉडरेट्स, एक मॉडरेट थे दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इनका लिंक जो था वो एक्सट्रीमिस्ट से ज़्यादा था। दूसरी बात, ये एकमात्र ऐसे पहले इंडियन थे, आपको पता हो तो 1857 में एक रेवोल्यूशन हुई थी, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हुई थी जिसको कहा गया 1857 की रेवोल्यूशन, उसके वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, दो पार्ट में मैंने डाला है। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति को अंग्रेजों ने क्या बोल दिया था कि भाई ये कुछ नहीं है, एक सिपॉय म्यूटनी है। क्या अंग्रेजों ने क्या बोला था उसको कि एक सिपॉय म्यूटनी है, सिपाही म्यूटनी का मतलब सैनिक विद्रोह, कुछ छोटी मोटी बात है, सेना में मतलब कुछ मतलब सोल्जर्स ने और विद्रोह कर दिया, बस इतना ही है, जबकि ऐसा नहीं था। 1857 की क्रांति को भारत की आज़ादी के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताने वाले, किसको 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताने वाले जो व्यक्ति थे वो यही थे, वीर विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1857 की क्रांति पर मतलब एक किताब लिखी थी, और वो किताब इतनी ज़्यादा फेमस हुई उसको अंग्रेजों ने पहले ही बैन कर दिया। अंग्रेज ये जब इंग्लैंड में थे तब उन्होंने उस किताब को लिखा था, तो अंग्रेजों ने उस किताब को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो उस किताब को, उस बुक को इंडिया में मतलब जैसे आज की डेट में तस्करी की जाती है, स्मगलिंग की जाती है, तो ऐसे ही उस बुक की स्मगलिंग होती थी, और उसको क्रांतिकारियों को उस बुक को पहुँचाया जाता था। और वो बुक ऐसा माना जाता था कि कोई उसको एक बार पढ़ ले तो मतलब उसके मतलब रक्त में खून में क्रांतिकारी मतलब चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाएंगी, और अंदर एकदम देशभक्ति की भावना जग जाएगी। तो जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो ऐसा मानते हैं कि मतलब उन्होंने भी इस बुक को पढ़ा था, और वो बुक मतलब क्रांतिकारियों के लिए एक प्रकार से गीता बाइबल इनकी तरह मतलब काम करती थी। तो वो बुक भी किसने लिखी थी, वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने ही लिखी थी। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े मतलब एक क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, पेट्रियोटिक थे, इवन राइटर भी थे, किताब भी लिखी थी, और शुरुआत से मतलब पॉलिटिक्स में क्या हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं। और इनका मानना था कि भैया देश हमारा आज़ाद होना चाहिए, ये स्वराज में बिलीव करते थे। किस में बिलीव करते थे, स्वराज, स्वराज्य, सेल्फ रूल, अपना रूल होना चाहिए, फॉरेन पावर्स का रूल नहीं होना चाहिए। ये स्वदेशी में बिलीव करते थे कि स्वदेशी चीज़ों का मतलब क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट करना चाहिए। तो 1905 में आपको पता है बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय एक आंदोलन चला था, मूवमेंट चला था, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे, उसी समय इन्होंने भी अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर विदेशी जो क्लॉज से उनकी क्या जलाई गई थी, होली जलाई थी। तो मतलब बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थे, ठीक है, और बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, किताब भी लिखी, तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, कुछ एडिशनल चीज़ें भी जानेंगे, और फिर अपने सिलेबस में दे रखी हैं वो सारी चीज़ें भी हम जानेंगे। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये इनकी एक स्टैचू है जो कहाँ पर लगा हुआ है, इनका ये लगा हुआ है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल आपको पता है कहाँ पर है, ये अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार आपको पता है हमारा आइलैंड है, एक आइलैंड मतलब स्टेट है, यूनियन टेरेटरी है। कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है। आई होप सबने आपने देखा होगा मतलब मैप में देखा होगा, फिजिकली तो मैं चाहता हूँ आप सब जाके देखो। तो वहाँ पर एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल, और वहाँ पर इनकी स्टैचू लगी हुई है, विनायक दामोदर सावरकर यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी 1911 से लेकर 1921 तक, यहाँ पर इन्होंने अपनी
का सजा बताई थी। तो ध्यान रखो, अंग्रेजों के टाइम पर अगर किसी को सबसे कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड, सबसे ज़्यादा टॉर्चर करने वाली जो सजा दी जाती थी, उस सजा का नाम था काला पानी की सजा। कौन सी सजा? काला पानी की सजा। और काला पानी की सजा जब किसी को दी जाती थी तो उसको भेजा जाता था कहाँ पर? अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में। तो इनको भी यहीं पर भेजा गया था। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सजा देनी है, कठिन सजा देनी है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना है, बहुत ज़्यादा परेशान करना है, उसको यहाँ पर अंग्रेज भेजते थे। तो इनको भी यहाँ पर भेजा गया था। तो सोच लो अंग्रेज़ों की नाक में कितना इन्होंने दम किया होगा, इस चीज़ का आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो। ये है सेलुलर जेल अंडमान निकोबार का अभी का दृश्य। देखने में तो अच्छी है, पर जेल तो जेल ही होती है भाई। हम विश करते हैं कि कोई भी जेल के दर्शन ना करे, जाए तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बनकर जाए। तैतीस ओके, तो ठीक है। अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है अंडमान निकोबार की कैपिटल है। अच्छा, इन्हीं के नाम पर आई थिंक 2002 में अंडमान निकोबार का जो एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? वीर विनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर तो आपको पता है ये कैपिटल है, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी, ये मराठी में लिखी थी। एक्चुअली ये महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, नासिक में, ठीक है। तो विनायक दाभोलकर 1857, ये हिंदी में 1857 का स्वातंत्र समर, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वाली बुक इन्होंने लिखी थी। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा क्रांति मतलब ला दी थी इसने, और इन्होंने अंग्रेज़ों का असली जो चरित्र था उसको भारतीयों के सामने बताया। कुछ चीज़ें मैं अभी एडिशनल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, बुक में हम अभी प्रवेश नहीं कर रहे हैं, हमारा जो बुक में जो मेटेरियल दे रखा है वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 में। तो आपको पता होगा 1885 में क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। INC का गठन हुआ था 1885 में। चलो मुझे कमेंट करके बताओ, INC का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसको किसने फाउंड किया था, जो मेन रोल किसका था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो 1883 में मतलब इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? भागोर एक विलेज है जो कि नासिक, आपको पता है नासिक है महाराष्ट्र में, तो नासिक में एक जगह है, एक विलेज है भागोर, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और नासिक आपको पता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और इनकी जो डेथ होती है वो होती है 26 फरवरी 1966, मतलब देश आज़ाद कराने के बाद ही मतलब इनकी क्या होती है? डेथ होती है। अच्छा, डेथ के बारे में इनका ऐसा कहा जाता है कि इनकी डेथ मतलब नेचुरल डेथ नहीं थी, कि मतलब इन्होंने अपनी स्वयं की मर्जी से, अब जैनों में, जैन जो होते हैं उनमें एक मेथड होता है संलेखना, संलेखना विधि होती है, जिसमें क्या होता है, कोई भी लोग अगर इस विधि को यूज करता है, मतलब कई अब जैनियों में क्या होता है, कई बार जब वो जीवन त्यागते हैं ना अपनी मर्जी से, तो उसको बोलते हैं संलेखना। तो उसमें वो क्या करते हैं, अपना मतलब खाना पानी दाना पानी सब छोड़ देते हैं, मतलब जब तक फास्ट रखते हैं, जब तक मतलब मर ना जाए तब तक, तो इसको हम बोलते हैं संलेखना। तो इन्होंने भी मतलब एक फास्टिंग ऑफ हिज ओन वेस्ट ऑफ डेथ, मतलब इन्होंने क्या किया, फास्टिंग की, मतलब दाना पानी छोड़ दिया और मतलब सब कुछ छोड़ दिया, तो वो फास्ट ही हो गया। और कब तक? जब तक डेथ ना हो जाए। तो इन्होंने 26 फरवरी को उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई थी। ऐसा बताते हैं कि 1 फरवरी को इन्होंने दाना पानी छोड़ दिया था और 26 फरवरी को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो संलेखना मेथड के द्वारा इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। हिस्ट्री में मैंने पहले वाले चैप्टर में भी ये बताया था, एक मौर्य रूलर था, उसकी डेथ भी ऐसे ही हुई थी। तो वो भी कमेंट करके बताओ, कौन सा ऐसा मौर्य रूलर था जिसकी डेथ संलेखना मेथड के द्वारा हुई थी, कमेंट करके बताओ। लेट मी चेक कितना आता है, नहीं आता तो फिर उसको पढ़ के मुझे चेक करके बताना। इनकी शुरुआती जो पढ़ाई थी वो हुई थी पुणे में। कहाँ पर? पुणे में कॉलेज है फर्ग्यूसन कॉलेज, वहाँ पर इनकी पढ़ाई हुई थी। शुरुआत में इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, यूथ का एक ग्रुप बनाया था, नवयुवकों का एक ग्रुप बनाया था, जिसको इन्होंने नाम दिया मित्र मेला। मित्र मेला मतलब अपने जो फ्रेंड थे उसको मतलब ग्रुप बनाया। काम क्या करते थे? यही मतलब अवेयरनेस फैलाना क्रांतिकारी चीज़ों के बारे में, क्रांतिकारी आइडियाज़ को मतलब फैलाना, ये सारी चीज़ें करना इनका मतलब एक पर्पज़ था। सोसाइटी में जन जागृति लाना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को स्वराज के बारे में बताना, लोगों को अंग्रेज़ों की गतिविधियों के बारे में बताना, मतलब वही लोगों में मतलब देशभक्ति की भावना को मतलब जागृत करना, ये सारी चीज़ें मतलब इनका पर्पज़ था। यही मित्र मिला ऐसा बताते हैं, बाद में एक सोसाइटी बन जाती है जिसका नाम है अभिनव भारत सोसाइटी। तो ये इनकी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी को भी वीर विनायक दामोदर सावरकर ने ही बनाया था। इसका पर्पज़ भी यही था कि अगर कोई इसे ज्वाइन करता है तो उसको मतलब वही क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी दी जाती थी, और उनको बम बनाना, बहुत सारी चीज़ें करना, क्रांतिकारी बनाना, देशभक्ति भरना लोगों के अंदर, ये सारे काम इसमें किए जाते थे।
इनकी बुक नाम याद रखना है, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये किताब लिखी थी। और इसमें इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रिक्स के बारे में बताया था जो 1857 की सिपाही म्यूटनी में यूज की गई थी। तो आप इतना ध्यान रखना कि 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी अंग्रेजों ने उसको क्या बोला था, सिपाही म्यूटनी, कुछ नहीं है, ये सैनिक विद्रोह है। मगर उसको पहली मतलब ये बताने वाले कि ये मतलब सिपाही म्यूटनी नहीं थी, ये एक इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया का मतलब वॉर था, मतलब इंडियन लोगों के द्वारा किया गया पहला इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल था, पहला वॉर था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो ये बताने वाले भी व्यक्ति कौन थे, वीर विनायक दामोदर सावरकर जी थे। ठीक है, 2002 में मैंने ये बताया था पोर्ट ब्लेयर जो एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार में आइलैंड में, उसका नाम क्या रख देते हैं, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनको 50 साल का सज़ा दी गई थी, 50 ईयर्स की सज़ा दी गई थी। सोचो कितना बड़ा रिग्रेस पनिशमेंट इनको दिया गया था, 50 साल की सज़ा, मतलब दो बार लाइफ पनिशमेंट, मतलब उम्र कैद की सज़ा दो बार, मतलब 50 साल की सज़ा दी गई थी। और 1911 में इनको अंडमान निकोबार की कौन सी जेल में, सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। फिर ऐसा बताते हैं कि इन्होंने चार बार वहाँ पर मर्सी पिटीशन दी, मतलब अच्छा दया याचना मतलब जो होती है वो दी थी। और फिर 1921 में इनको मतलब वहाँ से सेलुलर जेल से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रत्नागिरी जेल में, और फिर रत्नागिरी जेल से यरबदा जेल पुणे में। ठीक है, तो रत्नागिरी यरबदा ये सब महाराष्ट्र में ही है, पहले रत्नागिरी लाते हैं फिर यरबदा जेल में लाते हैं। और फिर फाइनली 1924 में इनको रत्नागिरी जेल से भी मतलब क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। और इनको बोला जाता है कि भाई आप अब हम रिलीज तो कर रहे हैं मगर आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होंगे, आपको कोई भी पॉलिटिकल गतिविधियों में भाग नहीं लेना है। तो ये तो इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, हालांकि अब बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, मगर अब हम देखते हैं बुक में क्या क्या दे रखा है। अपना तो 10th के लेवल से जितना है वो मोर देन सफिशियंट मैंने बता दिया है। ठीक है, इतना कर लोगे दैट इज सफिशियंट। तो वीर विनायक दामोदर सावरकर, अब हम देखेंगे अपनी राजस्थान की जो प्रेजेंट की बुक है उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो अब आपको चीज़ें लिंक हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो इनका जन्म 28 मई 1883 में बहागोर विलेज महाराष्ट्र में हुआ था, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, नासिक। फिर ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, आपको पता है बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। और तब ये मतलब लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे, उनके कांटेक्ट में आए थे। अच्छा, एक चीज़ और कमेंट करके बताओ, जो हमारी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, कांग्रेस का जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जिसको गरम दल बोलते हैं, तो गरम दल के तीन नेता थे जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो लाल बाल पाल कौन थे उनके बारे में कमेंट करके मुझे बताओ आप। ठीक है, तो ये 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो उस समय लोकमान्य तिलक के कॉन्टैक्ट में आते हैं। और इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई थी, पढ़ाई लिखाई इनकी हुई थी फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी। स्कूलिंग करने के बाद ये कहाँ चले आते हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज में चले आते हैं। और इस दौरान इन्होंने क्या किया था, जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया था तो स्वराज मतलब एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, तो उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है मित्र मेला, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बनाया था। और विदेशी जो फॉरेन क्लोज थे उनको क्या कर दिया था, जला दिया था। और विदेशी कपड़ों की क्या जलाई गई, होली जलाई गई। इसकी वजह से इनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, एक्सपेल का मतलब बाहर निकाल दिया जाता है या रस्टिगेट कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। कॉलेज से क्यों निकाला जाता है, फर्ग्यूसन कॉलेज से, क्योंकि उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर क्या किया था, फॉरेन क्लोज की होली जला दी। मतलब ये सपोर्ट कर रहे थे कि इसको स्वदेशी आंदोलन को, और स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो स्वदेशी में क्या डिसाइड किया गया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी चीज़ों पर ध्यान देना है, विदेशी चीज़ों का क्या करना है, बॉयकॉट करना है। तो बॉयकॉट मूवमेंट चला था, जैसे अभी चल रहा है ना बॉयकॉट चाइना, मतलब चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मतलब बॉयकॉट करो, तो ऐसे ही उस समय चल रहा था बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, विदेशी चीज़ों का क्या करो, बहिष्कार करो। तो इन्होंने कपड़े जला दिए थे एक जगह पे, मतलब कॉलेज के सामने या कहीं भी, तो जिसकी वजह से कॉलेज से इनको क्या कर दिया था, रेस्टिकेट कर दिया था या फिर बाहर निकाल दिया जाता है। इनकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको डबल लाइफ सेंटेंस दिया था, मतलब 50 साल की सजा दी। कितने साल की, 50 साल की, सोचो इतनी ज़्यादा कड़ी सजा दी थी। और ये एकमात्र ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको डबल लाइफ सेंटेंस मिला था। तो डबल लाइफ सेंटेंस किसी को नहीं मिला, इन्हीं को मिला था डबल लाइफ सेंटेंस। तो देख लो अंग्रेज कितने ज़्यादा इनसे परेशान थे, मतलब इन्होंने उनको परेशान कर दिया। अच्छी बात है ना भाई, परेशान होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तो हमारी जान ले रखी थी, वो भी तो हम पर रूल कर रहे थे। तो ये तो लोगों को क्या कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे, उनका नेचर बता रहे थे कि भाई अंग्रेज कैसे हैं। और ये मतलब लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें रेडी होना है, अपने आप को रेडी करना है। किसके लिए रेडी करना है, स्वराज के लिए अपने आप को रेडी करना है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, खुद का रूल इस्टेब्लिश करना है। तो जब सीधी सीधी बात है, अंग्रेजों के खिलाफ कोई जाएगा तो अंग्रेजों का फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, और अंग्रेज उसको क्या करेंगे, पकड़ के जेल में डाल देंगे।
ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इनकी जो बुक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसको रिलीज होने से पहले ही क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्यों किया था बैन, ये चीज़ आपको बहुत जरूरी है पता होना, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति को क्या बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ये हमारी आज़ादी के लिए पहली लड़ाई है। जबकि अंग्रेज क्या कह रहे थे, कुछ नहीं छोटी मोटी घटना है। अब छोटी मोटी घटना थी, आपने दो वीडियो देखे होंगे कितनी सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी, दैट वॉज नॉट ए स्मॉल थिंग, नॉट ए स्मॉल इंसिडेंट, इट वॉज कम्प्लीट रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन एक बहुत बड़े लेवल पर होती है। तो इन्होंने 1857 की क्रांति को, मतलब जो क्रांति हुई थी उसको इन्होंने बोला था फर्स्ट वॉर, युद्ध था ये इंडिपेंडेंस के लिए। भाई अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से हमको एक्सप्लोइट किया था, हर लेवल पर एक्सप्लोइट कर रहे थे, तो सब दुखी थे। तो वो चीज़ इन्होंने मतलब जनता को बताई नहीं, जनता तो भूल चुकी थी। अब जनता को क्या है, उसको मतलब जागृत करना जरूरी है, अवेयर करना जरूरी है। तो अवेयर करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ये बुक लिखी थी। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्ड 1857 रेवोल्यूशन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्या बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी को फाउंड किया था 1906 में, और बहुत लंबा समय इन्होंने कहां पर बिताया था, सेलुलर जेल अंडमान में इन्होंने बिताया था। कब से कब तक, 1911 से 1921 के बीच में इन्होंने बिताया था। तो ठीक है, और जब ये मतलब प्रिजन में थे, प्रिजन मतलब कैद थे, जब ये कैदी थे, जेल में थे, तो इनको बहुत ज़्यादा हार्ड टॉर्चर्स का सामना करना पड़ा। सीधी बात है, मैंने बोला था कि वहाँ पर जो सज़ा दी जाती है उसको किस नाम से जानते हैं, काला पानी की सज़ा। जितनी भी सज़ा हुआ करती थी पहले, उन सब में जो सबसे कठोर जो सज़ा थी, कठोर से भी कठोर जो सज़ा थी वही थी काला पानी की सज़ा। मतलब उस जेल में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता, हमें नहीं पता क्या किया जाता होगा उस समय, मगर उस समय बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था जो भी कैदी हुआ करते थे अंडमान निकोबार की जेल में, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इनको पेन हुआ, टॉर्चर्स हुए, बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत हुई। तो ऐसा बात, अब देखो, अब ये जो पार्ट ऐड किया गया, अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ, ये राजस्थान की गवर्नमेंट ने, अभी गहलोत सरकार ने अभी इसको ऐड करवाया, पहले नहीं था, ठीक है। यहाँ पर ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखो मैं तो जो चीज़ है वो बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने क्षमा मांगी, क्षमा याचना मांगी, क्षमा मांग के फिर अंग्रेजों ने इनको मतलब क्षमा कर दिया था और फिर जेल से रिलीज कर दिया। तो यहाँ पर एक पॉलिटिक्स भी चली थी, खैर उसको छोड़ो, पर आप इतना ध्यान दे लो कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर्स इनको दिए जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई चलो मर्सी पिटीशन डालते हैं। मर्सी पिटीशन मतलब क्षमा याचना, मतलब मांगते हैं किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इन्होंने 4 बार पिटीशन दी, कौन सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन, क्षमा के, क्षमा याचना वाली पिटीशन जो दी इन्होंने कितनी बार दी, 4 बार। पहली पिटीशन जो दी थी वो दी थी 30 अगस्त 1910, आपको ये डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पहली दी थी 1910 में, दूसरी पिटीशन दी थी 1911 में। और इन पिटीशंस में सावरकर ने ऐसा बताया था कि सन ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल का सन अपने आप को मतलब बताया गया था, ठीक है। और इन्होंने ये भी लिखा था कि ही इज रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने के लिए तैयार है। तीसरी पिटीशन इन्होंने 1917 में, देखो पहली कब लिखी थी 1910, दूसरी 1911, तीसरी 1917, और चौथी पिटीशन जो लिखी थी वो लिखी थी 1918। 4 बार इन्होंने मर्सी पिटीशन दी, मर्सी पिटीशन मतलब वही क्षमा याचना दी थी किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि भाई हमें चलो क्या कर दो आप, माफ़ करो, ठीक है। और लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल, इन्होंने भी डिमांड किया था कि सरदार जो सावरकर भी हैं, वीर सावरकर हैं, इनको रिलीज करो बिना किसी कंडीशन के, इन्होंने भी इनके रिलीज को सपोर्ट किया था। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1921 में इनको एक्सेप्ट किया जो पिटीशन दी गई थी, और इनको रिलीज कर दिया सेलुलर जेल से, और फिर इनको कहाँ पर ले आए, रत्नागिरी जेल महाराष्ट्र में ले आए, ठीक है। फिर 1921 में, फिर 2 मई 1921 गवर्नमेंट रिलीज अपॉन कंडीशन ऑफ नॉट टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए कोई पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे, इस कंडीशन पर इनको रिलीज कर दिया। यहाँ पर ये 1924 होगा शायद, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना। 1924 में इनको रिलीज किया गया था कि ये अब कोई पॉलिटिक्स में 5 साल के लिए क्या नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बाद में इन्होंने हिंदू, भारतीय हिंदू महासभा को ज्वाइन किया, और इसका मतलब हेड भी रहे थे कई साल तक, इसके क्या रहे थे, हेड रहे थे, किसके, भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, इनकी कोशिश थी कि भारत कैसा राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, ठीक है। और हिंदू जो हिंदुत्व और हिंदू, इसकी डेफिनेशन भी इन्होंने ही दी थी, कि मतलब जो भारत की टेरिटरी है, भारत की टेरिटरी में जो पैदा होने वाला व्यक्ति है वही कौन होगा, हिंदू होगा। तो ऐसे करके इन्होंने डेफिनेशन दी थी।
और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बताओ, ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो इन्होंने अनाउंस किया कि वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ही अनाउंस टू हेल्प ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था इसका इन्होंने विरोध किया था। 1946 में जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था टू नेशन थ्योरी के तहत, तो उसका भी इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था, अपोज मतलब विरोध किया था। लास्ट में आपको पता है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की नई दिल्ली में क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे मतलब हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या की थी तो उसी के संबंध में मतलब इन पर मतलब क्या लगा दिया, निशाना लगा दिया कि ये जो हत्या की गई है इसमें मतलब किसका हाथ है, वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का भी हाथ है। तो फिर इनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, केस लगा दिया जाता है। मगर बाद में फिर इनके खिलाफ कोई कठोर सबूत मिलता नहीं है तो इनको फिर बाद में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। एक्विटेड का मतलब रिलीज कर दिया जाता है, मतलब इन पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे कि इनका भी हाथ है किसमें, महात्मा गांधी जी के मतलब जो हत्या की गई है नाथूराम गोडसे के द्वारा उसमें इनका हाथ है, तो वो भी बाद में इनका मतलब कोई चार्ज प्रूव नहीं होते हैं और प्रूव नहीं होते हैं तो उसको एक्विट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई आपको, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।